हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टूटी फ्रूटी केक। तो देखिए, इस तरीके से हमारा केक बनने वाला है। आप इसका स्पॉन्ज देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया केक बन के रेडी होने वाला है। तो चलिए फटाफट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हम केक बना रहे हैं यानी कि हमारा केक टिन, उसे हम रेडी करके रखेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ये केक टिन, उसे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बटर, चारों साइड से बटर लगा लेंगे अच्छे से। और आप भी हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप केक बनाते हो तो सबसे पहला काम हमें यही कर लेना है, ताकि जब बैटर बने तो डायरेक्ट हम उसे डाल सकें। तो इस तरीके से मैंने बटर लगा दिया है और अभी मैं उसमें डालूँगी बटर पेपर। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस पर मैदे की डस्टिंग कर सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अभी हम इसे रख देंगे साइड में। टूटी फ्रूटी केक है तो दूसरा काम हमें करना है। यहाँ पे लिए मैंने 1/4 कप टूटी फ्रूटी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा और टूटी फ्रूटी को भी थोड़ा सा कोट कर लेते हैं। टूटी फ्रूटी को मैदे में कोट करने से टूटी फ्रूटी केक के नीचे नहीं जाती है, तो इसीलिए हमें टूटी फ्रूटी को इस तरीके से थोड़ा सा मैदा डाल के कोट कर लेंगे और इसे भी रख देंगे साइड में। और नेक्स्ट हमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, नीचे मैंने इस तरीके से बाउल लिया है, उसमें डाल दिया है मैदा, ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसे अभी छान के रख देंगे। इसे भी हमें पहले ही कर लेना है, ताकि जब हम इसे बैटर में डालें तो डायरेक्ट छानने का काम नहीं पड़े। तो ये भी रेडी हो गया है, इसे भी मैं रख दूंगी साइड में। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक दूसरा बॉल, जो भी हमें पहले के काम करके रखने थे वो मैंने रेडी करके रखे हैं। और चलिए अभी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 एग का यूज़ करने वाली हूँ, आप चाहो तो 3 एग भी डाल सकते हो। तो इसे मैं पहले तोड़ लूँगी और इसे अभी मैं कर लूँगी बीट। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस तरीके से हैंड बीटर से भी इसे बीट कर सकते हो। तो चलिए अभी इसे बीट कर लेते हैं। इसे मैं मीडियम स्पीड पे ही बीट करूंगी। और एग्स को मैंने 30 सेकंड तक बीट कर लिया है, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें वेनिला एसेंस। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लिया है। फिर से इसे 30 सेकंड के लिए बीट कर लेते हैं। 30 सेकंड बीट करने के बाद हमें इसमें डालना है ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसे फिर से 30 सेकेंड के लिए बीट कर लेते हैं। और इसे फिर से 30 सेकेंड बीट करने के बाद हमें डालनी है इसमें शुगर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप शुगर का यूज़ किया है, पाउडर्ड शुगर। तो यहाँ पे शुगर को हमें 2 पार्ट में डालना है। तो अभी मैं आधी शुगर डाल रही हूँ, आधी शुगर मैंने बचा के रखी है, इसे हम बाद में डालेंगे। और इसे फेंट लेते हैं और थोड़ा सा बीट करने के बाद मैं ये बची हुई शुगर भी इसमें डाल दूँगी और इसे जब तक ये क्रीमी नहीं बन जाता तब तक इसे बीट कर लूँगी। और देखिए, बीट करने के बाद ये कितना क्रीमी बना है। तो जब तक ये ऐसा नहीं बन जाता है हमें इसे बीट करते रहना है। और अभी हम डालते हैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैदा भी हमें 4 पार्ट में इसे डालना है, एक बार हम इसे नहीं डालेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसे मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है अभी इसे। ये देखिए, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के
और कट एंड फोल्ड के मेथड से इसे मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के बैटर को रेडी कर लेती हूँ। और कट एंड फोल्ड के मेथड से मैंने इसे कर लिया है मिक्स, और लास्ट में हम डाल देंगे इसमें टूटी फ्रूटी और फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। और चलिए अभी बैटर रेडी हो गया है, इसे डाल देते हैं केक टिन में। और इसे डालने के बाद इसे टैप कर लेंगे। और ओवन को भी मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, ओवन प्रीहीट हो गया है। और इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए टूटी फ्रूटी। और अभी मैं इसे ओवन में 180 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देती हूँ। और 30 मिनट्स बाद मैंने केक को बाहर निकाल दिया है, केक बनके रेडी हो गया है। बट अभी ये बहुत गर्म है तो इसे मैं एक कपड़े से कवर करके पूरा ठंडा होने दूंगी और फिर बाद में इसे हम कट कर लेंगे। और केक अभी हो गया है ठंडा, तो अभी हम केक को पहले निकाल लेंगे। पहले हम इसे निकाल देते हैं साइड से। और अभी मैं इसे एक प्लेट में रख के टैप करेंगे। और ये देखिए, हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। वाओ, देखिए बहुत सुंदर केक बनके रेडी हो गया है। और अभी मैं इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। तो चलिए अभी मैं इसे कट करके देखती हूँ। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल जाली बनी है और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी बना है। मार्केट में मिलता है ना वैसी जाली आई है हमारे केक को, और केक भी बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।